गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन नी अंदर आपणे मेथेमेटिकल इंडक्शन एनो टाइप वन एना फर्स्ट थर्टीन सम केल्क्युलेट करेला था। नाउ एक्जाम्पल नंबर 40। प्रूव देट 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 13 अप टू 1/4n-3 मल्टीप्लाइड बाय 4n+1 इज इक्वल टू एन 4n+1। स्टेप वन बेसिस स्टेप। पुट एन इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 5, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ पुट एन इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू एन 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय एन 2 प्लस 1, 1/6 प्लस 1/45, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8 प्लस 1 45, 45 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपणे एलसीएम लेशुं 270, 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 2/9, 45 प्लस 6 51 डिवाइडेड बाय 270, 2/9। फोर मल्टीप्लाइड बाय 2 8 प्लस 1 दैट इज 9, 51 डिवाइडेड बाय 270, 5.29, 51 डिवाइडेड बाय 270, 0.19, 2 डिवाइडेड बाय 9, 0.22, देयर इज सम मिस्टेक आर देयर, दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 नॉट 6, सो 45 एलसीएम लेसो, टेक 45 एलसीएम, 9 45 એટલે 9 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે, તો ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર બંનેમાં 9 વડે મલ્ટીપ્લાય થશે, 5 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 9 1 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 9, 9+1 દેટ ઇઝ 10 ડિવાઈડેડ બાય 45, 10/45, 2/9, 2/9, 2/9, 2/9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन रिजल्ट इज ट्रू इन बेसिस स्टेप। नाउ प्रूव इट इन इंडक्टिव स्टेप। स्टेप टू इंडक्टिव स्टेप। स्टेप टू इंडक्टिव स्टेप। फर्स्ट वी आर अज्यूमिंग दैट द गिवन रिजल्ट इज True
टू फोर एन इज इक्वल टू के पुट एन इज इक्वल टू के ज्या एन हे ती आप पुट करसू के वन अपॉन वन मल्टीप्लाइड बाय फाइव प्लस वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय नाइन प्लस वन अपॉन नाइन मल्टीप्लाइड बाय थर्टीन प्लस अप टू वन अपॉन फोर एन माइनस थ्री दैट इज वन अपॉन फोर के माइनस थ्री फोर एन प्लस वन फोर के प्लस वन इज इक्वल टू एन फोर एन प्लस वन के फोर के प्लस वन वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग दैट the given result is true for n is equal to k plus 1 put n is equal to k plus 1 1 upon 1 multiplied by 5 1 upon 5 multiplied by 9 1 upon 9 multiplied by 13 to 1 upon 4 n that is k plus 1 minus 3 4 this is 4 k plus 1 minus 3 4 multiplied by k plus 1 minus 3 upon 4 multiplied by k plus 1 plus 1 is equal to n ની જગ્યાએ k plus 1 4 multiplied by k plus 1 plus 1 k પહેલા k plus 1 પહેલાનું સ્ટેપ શું આવે k 1 upon 4k minus 3 4k plus 1 1 upon 1 by 5 to lay and 1 upon 4k minus 3 so the answer aapne paase chhe that is k 4k plus 1 k divided by 4k plus 1 plus 1 upon 4 under multiply that's 4k plus 4 minus 3 4k plus 4 plus 1 is equal to k plus 1 4 under multiply that's 4k plus 4 plus 1 k upon 4k plus 1 plus 1 upon 4k plus 1 4k plus 5 is equal to k plus 1 1 k plus 1 upon 4k plus 5 okay 4k plus 1 4k plus 1 common nikli jase denominators mathi 4k plus 1 common remaining k plus 1 upon 4k plus 5 is equal to k plus 1 4k plus 5 okay now take LCM 1 upon 4k plus 1 4k plus 5 k sathe multiply thase k multiplied by 4k plus 5 plus 1 upon 4k plus 5 is equal to k plus 1 4k plus 5 k under multiply thas 4k square plus 5k plus 1 divided by 4k plus 1 4k plus 5 is equal to k plus 1 4k plus 5 4 multiplied by 1 that is 4 4 ના આપણે એવા પાર્ટ પડવાના છે કે એનો સમ 5 થાય 4 multiplied by 1 5 4k square plus 4k plus k plus 1 divided by 4k plus 1
फोर के प्लस फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन फोर के प्लस फाइव. टेक फोर के कॉमन के प्लस वन, टेक वन कॉमन के प्लस वन, डिवाइडेड बाय फोर के प्लस वन फोर के प्लस फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन फोर के प्लस फाइव. फोर के प्लस वन, के प्लस वन कॉमन, डिवाइडेड बाय फोर के प्लस वन अपॉन फोर के प्लस फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन फोर के प्लस फाइव. फोर के प्लस वन कैंसल था से रिमेनिंग के प्लस वन फोर के प्लस फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन फोर के प्लस फाइव. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो गिवन रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल्सो प्रूव इन इंडक्टिव स्टेप. ऑल्सो प्रूव इन इंडक्टिव स्टेप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15. प्रूव दैट 2^4n-1 इज डिविजिबल बाय 15. स्टेप वन बेसिस स्टेप. पुट n इज इक्वल टू 1. 2^4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2^4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4 माइनस 1. 2^4 टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15. 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिविजिबल बाय 15. पुट n इज इक्वल टू 2. 2^4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15. सो 2^2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 इज डिविजिबल बाय 15. सो 2^8 256 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15. 256 माइनस 1 255 इज डिविजिबल बाय 15. So yes, it is divisible by 15 because 15 multiplied by 17 is divisible by 15. So inductive basis step ni andar aapko result prove thyu. So it is true in basis step. Now prove it in inductive step. Step 2, inductive step. We are assuming that the given result is true for n is equal to k. Put n is equal to k. 2^4k minus 1. 2^4k minus 1 is divisible by 15. So 2^4k minus 1 is equal to 15m because 15 ની સાથે કોઈ પણ નંબર હશે આગળ 15 કોમન નીકળી જાય એને 15 વડે ડિવાઈડ કરી શકીએ આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ 15m છે તો આપણે એને 15 વડે ડિવાઈડ કરી શકીએ. તો
15 સાથે કયો નંબર છે જી ડોન્ટ નો પણ આગળ 15 કોમન નીકળી શકશે એટલે 15m સો 2 રેસ ટુ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15n 15m 1 સામેની સાઈડ જશે એટલે પ્લસ થશે વી આર ઓલસો અઝ્યુમિંગ ધેટ ધ ગીવન રિઝલ્ટ ઇઝ True for n is equal to k plus 1, put n is equal to k plus 1, 2 raised to 4 k plus 1 minus 1 is equal to 15n. Is divisible by 15. Okay. 2 raised to 4k plus 4 minus 1 is divisible by 15. So 2 raised to 4k power no plus che ghat no sarvalo che etle multiplication hase. 2 raised to 4 minus 1 is divisible by 15. Put 2 raised to 4 is equal to, we have 2 raised to 4 is equal to, 2 raised to 4k is equal to 15m plus 1. 15m plus 1. So 15m plus 1 multiplied by 2 raised to 4. 16 minus 1 is divisible by 15. 16 multiplied by 15, 240, 240 m. 16 multiplied by 1 plus 16. Minus 1 is divisible by 50. 240m plus 16 minus 1, that is 15, is divisible by 15. 240m plus 15, emathi 15 common nikalse. 240 divided by 15, that is 16m plus 1 is divisible by 15, yes, કારણ કે આપણે 15 વડે ડિવાઈડ કરી શકીએ. સો ગીવન રિઝલ્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ ફોર, સો ગીવન રિઝલ્ટ ઇઝ ડિવિઝિબલ બાય 15. Next, 16. Example number 16. Prove that 3 raised to 2n plus 7 is divisible by 8. Step 1, basis step, put n is equal to 1. 3 raised to 2 multiplied by 1 plus 7 is divisible by 8. 3 raised to 2 plus 7 is divisible by 8. 3 raised to 2, that is 9 plus 7 is divisible by 8. 16 is divisible by 8. Yes, 16 is divisible by 8. Because 8 multiplied by 2 divided by 8. So, yes, 16 is divisible by 8. Put n is equal to 2. 3 raised to 2 multiplied by 2 plus 7 is divisible by 8.
3 raised to 4 plus 7 is divisible by 8. 81 plus 7 is divisible by 8. 81 plus 7, that is 88, is divisible by 8. Yes, because 8 multiplied by 11 divided by 8. So given result is true in basis step. Now prove it in inductive step. Step 2, inductive step. We are assuming that the given result is true for n is equal to k. Put n is equal to k. 3 raised to 2k plus 7. 3 raised to 2k plus 7 is divisible by 8. So 3 raised to 2k plus 7 is equal to 8m. So 3 raised to 2k is equal to 8m minus 7. We are also assuming that the given result is true for n is equal to k plus 1. Put n is equal to k plus 1. 3 raised to 2 multiplied by k plus 1 plus 7 is divisible by 8. 3 raised to 2k plus 2 plus 7 is divisible by 8. 3 raised to 2k, power vache sum chhe, atle gunakar hase. 3 raised to 2 plus 7 is divisible by 8. Put 3 raised to 2k is equal to 8m minus 7. 8m minus 7 multiplied by 3 raised to 2, that is 9, plus 7 is divisible by 8. 9 under multiplied thas 72m. 63 plus 7 is divisible by 8. 72m minus 63 plus 7, so minus 56 is divisible by 8. Take 8 common. So 72 by 8, that is 9m. 56 by 8, that is 7, is divisible by 8. Yes, because chhedma 8 mukki etle 8 cancel thiye. So is divisible by 8. So given result is divisible by. Next example, apne next session mein lesu. Thank you.